हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रासा इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू जीके। आवर टॉपिक नेम इज माय हाउस। सो चैप्टर नेम इज माय हाउस। हाउस मींस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली, इट्स बिलोंग टू अस। हाउस का मतलब होता है जहां हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने मम्मा पापा के साथ रहते हैं, अपने भाई बहन के साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाउस। ओके, इन आवर हाउस दे आर सो मैनी रूम्स लाइक बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, बाथरूम, यू कैन से वॉशरूम एंड अदर रूम ऑल्सो। किड्स, हमारे घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, जैसे कि बेडरूम जहाँ हम सोते हैं, जहाँ हम रेस्ट करते हैं, लिविंग रूम जहाँ हम टीवी देखते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, बाथरूम जहाँ हम नहाते हैं, डाइनिंग रूम जहाँ हम खाना खाते हैं, स्टडी रूम जहाँ हम पढ़ते हैं, किचन जहाँ हमारी मम्मी हमारे लिए यम्मी यम्मी खाना बनाती हैं, गार्डन जहाँ हम खेलते हैं। तो ये हमारे घर में रूम्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। इन योर बुक फर्स्ट पिक्चर इज बेडरूम। किड्स, डू यू नो व्हाट इज बेडरूम? बच्चों, आपको पता है बेडरूम क्या होता है? बेडरूम इज यूज फॉर स्लीपिंग पर्पस। वी स्लीप इन द बेडरूम आफ्टर ऑल थ्रू द डे, फिनिश योर वर्क, वी यूज बेडरूम फॉर टेक रेस्ट। बेडरूम उसे कहते हैं जहां आप सोते हैं, रेस्ट करते हैं, उसे हम बेडरूम कहते हैं। जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है, आपको थकान होती है, तो आप कहां आते हैं सोने के लिए? बेडरूम में आते हैं। तो हम उस रूम को क्या कहते हैं? बेडरूम। ओके, सो नेक्स्ट पिक्चर इज बाथरूम, मींस वॉशरूम। बाथरूम का मतलब होता है जहां आप डेली डेली बात करते हैं, यानी कि नहाते हैं, ठीक है। इन आवर बाथरूम दे आर सो मैनी थिंग्स लाइक बाथ टब, शावर, टॉवल, सोप, शैम्पू, ऑयल एंड मिरर। हमारे बाथरूम में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि बाथ टब होता है, शावर होता है, टॉवल होती है, मिरर होता है और बहुत सारी चीज होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पिक्चर इज लिविंग रूम। लिविंग रूम इज वन टाइप ऑफ रूम वेयर वी रिसीव अवर गेस्ट इन अवर लिविंग रूम। लिविंग रूम एक ऐसी जगह है जहां हम अपने गेस्ट को रिसीव करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं और टीवी देखते हैं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम यूज फॉर ईट द फूड। जहां हम खाना खाते हैं वो डाइनिंग रूम होता है। इन आवर डाइनिंग रूम देयर आर सो मैनी थिंग्स। हमारे डाइनिंग रूम में बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे कि टेबल होती है, चेयर होती है, प्लेट्स होती हैं, ग्लासेस होते हैं, स्पून्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर इज स्टडी रूम। स्टडी रूम यूज टू स्टडी, वी स्टडी इन द स्टडी रूम। स्टडी रूम एक ऐसा रूम होता है जहां हम स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और रीडिंग करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टडी रूम। स्टडी रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दे आर सो मैनी थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, लैम्प, बुक्स, पेन एंड अदर थिंग्स। सो स्टडी रूम में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज किचन। वी कुक फूड इन द किचन।
यू नो दैट मम्मा यूज किचन फॉर डिलीशियस फूड फॉर अस। आप सभी को पता है हमारी मम्मा हमारे लिए खाना बनाती हैं, वो कहाँ बनाती हैं? किचन में। उसे हम क्या बोलते हैं? किचन। ओके, देयर आर सो मैनी थिंग्स, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ओवन, गैस स्टोव, चिमनी, माइक्रोवेव, यूटेंसिल्स, सिंक एंड अदर थिंग ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज स्टोर रूम, अ रूम इन विच थिंग दैट आर नॉट बीइंग यूज्ड कैन बी केप्ट इन द स्टोर रूम। स्टोर रूम एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपना ऐसा सामान रखते हैं जो हमारे बहुत कम यूज में आता है, पर वह सामान होता ज़रूरी है, इसीलिए हम उसे स्टोर रूम में रखते हैं और हम उसे स्टोर रूम कहते हैं। ओके किड्स, सो नेक्स्ट पिक्चर इज गार्डन। अ गार्डन इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स, ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, एंड गार्डन आल्सो यूज्ड फॉर प्लेइंग। गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ हम पेड़ पौधे उगाते हैं और जहाँ हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? गार्डन। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज बैल्कनी। दिस इज बैल्कनी, फ्रॉम हेयर वी कैन सी द आउटसाइड एरिया। बैल्कनी एक ऐसी जगह है जहां से हम बाहर का एरिया देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पिक्चर इज टेरेस। दिस इज टेरेस, द टॉप ऑफ द हाउस इज द टेरेस। टेरेस एक ऐसी जगह होती है जो हमारे घर के सबसे ऊपर होती है, उसे हम छत भी कहते हैं। ओके किड्स, सो नेक्स्ट पिक्चर इज मेन गेट। दिस इज अ मेन गेट, मींस एंट्रेंस गेट। मेन गेट यूज टू एंटर द हाउस। मेन गेट एक ऐसी जगह है जहाँ से हम अपने हाउस में एंटर करते हैं, यानी कि अपने हाउस के अंदर जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पिक्चर इज स्टेयर्स। दिस इज अ स्टेयर्स। स्टेयर्स इज यूज टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एरिया और बॉटम टू टॉप एरिया। सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ एक ऐसी जगह है जो हमें नीचे से ऊपर ले जाने के काम करती हैं और ऊपर से नीचे ले जाने के काम करती हैं। सीढ़ियों के द्वारा हम नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, यानी कि छत पर भी जा सकते हैं, और छत से नीचे यानी कि अपने रूम्स में भी आ सकते हैं। ओके किड्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।